नमस्कार, सभी का स्वागत है देवी और सज्जनों। पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब की डेफिनेशन और उसका जो फर्स्ट टाइप था एडवर्ब ऑफ टाइम उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम जो है वो सेकंड पार्ट्स ऑफ एडवर्ब के बारे में देखेंगे या उसका जो सेकंड टाइप है उसके बारे में देखेंगे, उसके सेकंड टाइप के बारे में देखेंगे। सेकंड टाइप जो है वो उसका है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको एडवर्ब ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी। तो इसको हम स्टार्ट करें, उससे पहले आप जो है वो अपनी अंगुलियों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जो है वो करने के लिए आप अपनी फिंगर्स को इन द एंड ऑफ द वीडियो तकलीफ दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, जहां तक हमने पढ़ा था कि एडवर्ब की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने पढ़ा कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर अपने ही जैसे किसी एडवर्ब की उसको एडमायर करता हो, उसकी तारीफ करता हो या उसको मॉडिफाई करता हो या फिर उसको स्पेसिफाई करता हो, वो शब्द जो है वो एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहलाता। मेनली ये पांच प्रकार के होते हैं। हम जो है वो इसको 9 टाइप्स के पढ़ेंगे। इसका सेकंड टाइप जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर आप जानते हैं कि तरीका होता है, मैनर जो है वो तरीका होता है। मैनर्स को अपन संस्कार भी कहते हैं, मतलब बिहेव करने का जो वे होता है उसको अपन मैनर्स कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम किसी को ये कहते हैं कि आप में मैनर्स नहीं है, इसका मतलब आप में एक प्रॉपर बिहेव करने का तरीका नहीं। तो मैनर का जो मीनिंग होता है वो होता है तरीका। अब इस शब्द से हम क्या समझेंगे, ऐसी एडवर्ब जो हमें किसी काम के होने का तरीका बताते कि जो काम हुआ है, जो एक्शन हुआ है वो किस प्रकार से कंप्लीट हुआ, वो तरीका जो है, वो वे जो है वो हमें बताया जाता है इस एडवर्ब के द्वारा। इसीलिए इसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। एक्चुअली है क्या, ए वर्ड विच शोज द मैनर इन विच द एक्शन इज डन। एक शब्द जो ये तरीका प्रदर्शित करता है जिसमें कोई काम पूरा हुआ, या फिर ये तो एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका हो गया कि हम एक ऐसा शब्द ढूंढे सेंटेंस में जिससे हमें पता चले कि उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हुआ। दूसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस, आइदर हाउ और इन व्हाट मैनर, या तो कैसे, हाउ जो है उसका आंसर देता हो या फिर इन व्हाट मैनर किस तरीके में, किस तरीके से वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले जो वर्ड होंगे वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। क्लियर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, मतलब हमें एक्शन का तरीका पता लगाना है, मैनर पता करना है कि वो किस तरीके से कंप्लीट हुआ है, हाउ यानी होता है कैसे या कैसा, तो किस तरह से काम पूरा हुआ है उसका पता लगाना है, और उस तरीके को बताने वाला जो वर्ड होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्लियर, एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स हमने देखा, द गर्ल रन्स। अब यदि मैं आपके सामने से इसको गायब करूं फास्ट को, तो हमारे पास में सेंटेंस इतना ही बचेगा, द गर्ल रन्स, लड़की दौड़ती। लेकिन हम ये पूछे कि कैसे लड़की जो है वो कैसे दौड़ती है, फिर हमें लिखना पड़ेगा फास्ट। क्या लिखना पड़ेगा, फास्ट। तो जो ये हमने फास्ट लिखा है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, दौड़ने को मॉडिफाई कर रहा है, और उसका तरीका बता रहा है कि दौड़ने की जो एक्शन है वो किस तरीके से कंप्लीट की जा रही है। यदि हम फास्ट लिखते हैं तो तेजी से कंप्लीट हो रही है, यदि स्लोली लिखते हैं तो धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। तो वो वर्ड जो एक्शन के कंप्लीट होने का अपने को नॉलेज कराए वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ। तो हमें काम के होने के तरीकों बताने वाला शब्द जो है वो क्या है, फास्ट। तो ये हो गया है एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस में सी सिंग्स, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है कि वह गाती है, लेकिन कैसे गाती है या किस तरीके से गाती है, यदि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देखें तो उसका आंसर कौन देगा, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा है, सुंदरतापूर्वक गाती है। तो ये जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, फिर एडवर्ब ऑफ
मैनर, क्योंकि ये वर्ड जो है वो किसका आंसर दे रहा है, इन व्हाट मैनर या फिर हाउ का आंसर जो है वो हमें दे रहा है। क्लियर? चलिए इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप या इसका जो काइंड है एडवर्ब का वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस का आप जानते हैं कि प्लेस का मीनिंग होता है जगह या स्थान, मतलब ऐसे एडवर्ब जो हमें किसी जगह या स्थान के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, वो जो एडवर्ब होंगे वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके आगे जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, दीज एडवर्ब्स इंडिकेट्स वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड। ऐसे एडवर्ब या ऐसे क्रिया विशेषण जो हमें ये बताते हैं या जो ये संकेत करते हैं कि कार्य जो है वो कहां पे संपन्न किया गया है, कंप्लीट किया गया है, कहां पे कंप्लीट हुआ है वो एक्शन जो कि उस सेंटेंस में किया जा रहा है, उसको परफॉर्म कहां पे किया जा रहा है, ये एडवर्ब्स हमें उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जो रेड पेन से लिखे हुए हैं, ये उनके उदाहरण है किनके, एडवर्ब ऑफ प्लेस के, जैसे हियर देयर एवरीवेयर नोवेयर अवे नेवर सॉरी नियर फार इन आउट अप डाउन बिलो अबव बिसाइड एटसेट्रा। आपको कुल मिला के शॉर्ट में ये समझना है कि ऐसा वर्ड या ऐसे एडवर्ब जो हमें किसका आंसर देते हैं, वेयर से यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया, वेयर यानी होता है कहां, और कहां का आंसर हम क्या लिखेंगे, किसी जगह का नाम भी लिखेंगे, तो वेयर के क्वेश्चन का आंसर देने वाले जो एडवर्ब होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको इस तरह से हम शॉर्ट में समझ सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है They are working there. अब यदि हम इस सेंटेंस को यहां तक ही माने, दे आर वर्किंग, वे काम कर रहे हैं, वे काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये पूछे कहां, कहां, तो फिर हम उस जगह का नाम लिखेंगे जहां पे वो काम हो रहा है, तो हमने लिखा देयर। अब ये देयर क्या हो गया यहां पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यदि हम इसी से ये पूछे कि कैसे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं कैसे, तो फिर हम यहां पे लिखेंगे हार्ड, दे आर वर्किंग हार्ड। तो अब हमें आंसर मिला किससे, हाउ का आंसर मिला, हाउ का मिला ना, और यदि हाउ से इस वर्ड इसको मान लीजिए हमने यहां से हटा दिया, इसकी जगह हार्ड लिख दिया, तो हमें हाउ का आंसर मिला, और हाउ जो है उसका आंसर देने वाले शब्दों को अपन एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड जो एग्जांपल है वो देखिए, दे ऑल वेंट अवे। अब यदि हम ये जो ब्लैक में लिखा हुआ इसी को देखें, दे ऑल वेंट, वो सब गए, कहां गए, वो कहां गए, तो फिर हमने लिखा हमने अवे। अब ये हमें ये बता रहा है कि वो कहां गए हैं, दूर चले गए हैं, तो ये कहां का, ये वेयर का आंसर देने वाला वर्ड है, तो ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट। ओके, लेट्स मूव। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ जो पॉइंट है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। दीज एडवर्ब्स इंडिकेट्स हाउ मच और इन व्हाट डिग्री द एक्शन इज परफॉर्म्ड। ये एडवर्ब हमें ये बताते हैं कि एक्शन जो है वो कितनी मात्रा में कंप्लीट हुआ, कौन सी डिग्री में कंप्लीट हुआ, समझे। और इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने जो है वो यहां पे लिखे हैं। आप शॉर्ट में इसको ऐसा कह सकते हैं कि हाउ मच का आंसर देने वाले जो वर्ड है, हाउ मच, कितना या कितना ज्यादा, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहलाते हैं। क्वांटिटी का मतलब आप जानते हैं मात्रा होती है। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके अलावा ऐसे वर्ड जो हमें हाउ मच का आंसर देते हो,
ऐसे वर्ड, इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें हाउ मच का आंसर देते हैं, जैसे कि एक तो आपके सामने ये लिखा हुआ है क्वाइट, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो हमें हाउ मच के क्वेश्चन का आंसर देते हो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी कहलाते हैं। एग्जांपल्स देखिए, इसके कौन कौन से वर्ड है, वेरी, टू, सो, ऑलमोस्ट, रेयरली, एंटायरली, हार्डली, एक्सट्रीमली, रियली, ओनली, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड है। एग्जाम्पल्स देखिए, पहला सी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, सी इज स्ट्रॉन्ग वह ताकतवर है, मजबूत है, इतना यदि सेंटेंस हो तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग मतलब ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। तो ये जो वर्ड हमें, ये क्वाइट जो है वो हमें इसके बारे में इंफॉर्म कर रहा है, किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग कितना ताकतवर है, हाउ मच का आंसर दे रहा है। तो ये जो है वो क्या हो गया है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सेकेंड वन, ही इज एंटायरली राइट, वह संपूर्ण रूप से सही है, मतलब पूरे का पूरा सही है। तो कितना सही है, हाउ मच का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है, एंटायरली। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। इट वॉज टू हार्ड, कितना हार्ड है, टू यानी अधिक हार्ड है, ये भी हार्ड है, कठिन है। तो ये जो वर्ड है वो क्या हो गया है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तीन जो इसके टाइप्स थे, एक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, तीन जो है वो आज स्टडी की है, रेस्ट ऑफ द टाइप्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।